गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको एक एग्जांपल कराने वाले हैं। क्या है देखिए, सुनिएगा ध्यान से। द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सिलेंडर है हमारा, ठीक है। उस सिलेंडर के बेस का क्या दे रखा है हमको, एरिया दे रखा, कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे देखते हैं, एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। अब हमको क्या निकालना है, एक तो इसका वॉल्यूम निकालना है और एक निकालना है हमको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसके जो बेस होता है वो कैसा होता है, हमारा सर्कल होता है। और सर्कल का एरिया हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिलेंडर के बेस का एरिया भी हमारा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर हमको दे रखा कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सिलेंडर का बेस का एरिया क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल के एरिया के बराबर होता है। और सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 154 के इक्वल आ गई। अब देखो हमको क्या क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है और हमको निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब सी एस ए निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 154 और एच की वैल्यू है हमारे पास 21। रख देंगे, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने 154 और एच की वैल्यू रख दी हमने 21, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखो वॉल्यूम तो हमारा आ गया इजीली। अब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब दिमाग में कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ध्यान में लाओ, क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। हमारे पास एच तो है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, आर नहीं है। तो आर कैसे निकालेंगे, यहां से इसकी आर की वैल्यू हम निकालेंगे। देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी थी, 154 थी। तो हम आर स्क्वायर को, आर स्क्वायर को यहाँ रखेंगे और पाई को कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो 154 अपॉन पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन 7 आएगा। तो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। 22 से 154 कितने टाइम कटेगा, 7 टाइम कट जाएगा। 7 × 7 आ जाएगा मेरा 49। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, मेरी 49 आ गई। अब आर की वैल्यू कितनी आएगी, 49 का अंडर रूट ले लूंगा, अंडर रूट ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसका आर आ जाएगा। अब मेरे को निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख दो, 2 पाई आर इनटू एच। 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, इनटू आर। आर की वैल्यू मैंने अभी अभी फाइंड आउट की है, कितनी आई, 7 आई थी, रख दी यहां पे, इनटू एच। एच की वैल्यू हमको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। यहां पे क्या रखी है हमने, 21 सेंटीमीटर रख दी। अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 इनटू 21। 44 इनटू 21 करेंगे तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। और वॉल्यूम हमारा कितना आ गया था, 3234 सेंटीमीटर क्यूब आ गया।